अब हमने स्टार्ट करनी है 10.3 को। खास बात नहीं है, 10.3 से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं, वो इस्तेमाल आपने काफी करना है। कुछ सवाल यहाँ तक तो नहीं है किसी का? हाँ सर, ये टेंजेंट के अलावा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे भी ये रूल फॉलो होगा साइन? यार, नहीं एग्जैक्ट ये नहीं होता। हाँ, हर चीज हर एक पे फॉलो नहीं होगी। अब वो खुद बनानी पड़ेगी कि हर बाकियों पे क्या चीज फॉलो होती है। मेरे जहन में फिलहाल तो कोई नहीं आ रही, ट्राइंगल से रिलेटेड मेरे जहन में नहीं आ रही। साइन की थी कोई, साइन ए प्लस साइन बी किसी के बराबर होता है, लेकिन मेरे जहन में नहीं है। एग्जैक्टली ये चीज नहीं होती, लेकिन वो निकालनी पड़ती है कि वो किससे बराबर आ रहा है। वो अगर तुम सर्च करोगे ना, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो शायद कोई ना कोई फॉर्मूला उसका बना हुआ हो। इसी तरह कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, कोई ना कोई शायद फॉर्मूला बना हुआ हो। मेरे जहन में भी कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है बना हुआ हो इसका। ओके सर, जहन में आ रही थी लेकिन निकल गई एकदम से जहन से। चलो अगर आई तो बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब थोड़ा आगे मूव करते हैं हम। हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो चैप्टर नंबर 10 है, फिलहाल अभी तक बुक में इन्होंने मेंशन की नहीं है बात। मैंने पूरी बुक पढ़ी नहीं है तो मुझे नहीं पता, शायद आगे मेंशन की भी हो। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसमें से आपने अभी तक एक पढ़ी है, वो ये पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तीन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपने उसी से बनाई हुई है। जैसे सबसे पहले ये कहां से आया था, ये यूनिट सर्किल की इक्वेशन से आई थी ना बात। यूनिट सर्किल के अंदर आपने पढ़ा था ये, वहां से आपने ये बनाया था। तो जो बाकी दो है ना, वो आप यहां से बनाओगे। कैसे? सबसे पहली बात, इसको लिखने के दो तरीके और होते हैं। मैंने बताया था कि अगर आप इसको कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। और अगर आप इसको साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये तो आपने इसी से एड सब्ट्रैक्ट करवाए करवा लिया। अच्छा, इससे आपने एक और बनानी है, वो कैसे आएगी? आप एक काम करो, इसके दोनों तरफ ना आप 1 प्लस, हम इसके दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करवा दो। लेफ्ट हैंड साइड आपकी कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगी, तो दोनों टर्म आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड की, साइन स्क्वायर को भी आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। और जो काम आपने लेफ्ट पे किया, राइट पे भी करना पड़ेगा भाई, बात बराबर होगी। तो आपने लेफ्ट और राइट पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया। फर्क क्या होगा, ये पूरी चीज क्या होगी? 1 के बराबर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये होता है सेक स्क्वायर। ये एक और फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाती है। पहली आपने ये पढ़ी है, ये दूसरी है। ये भी काम आएगी क्वेश्चंस के अंदर, तो ध्यान में रखना। इसको भी आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि आप टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालो। टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। इस 1 को अगर आप उधर ले जाओ, तो टेंजेंट स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर के। तो सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर के, और टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 के। इसको एक और लिखने का भी तरीका है कि अगर टेंजेंट स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो टेंजेंट स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस तरफ क्या बच जाएगा? जस्ट 1 बच जाएगा। तो सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इस चीज को भी आप दो तरीके से लिख सकते हो। और तीसरी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो कैसे आएगी कि अगर आप इस पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड करवा दो। ये जो थी ना, इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करवाते हैं, तो कॉस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर से करवा दिया आपने, साइन स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर से करवा दिया, और 1 को भी आपने साइन स्क्वायर से करवा दिया। मैं थोड़ी अरेंज करके लिखता हूँ जिसमें खूबसूरत सी नजर आती है। पहले मैं इस टर्म को लिखता हूँ, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगी, तो ये 1 लिख दिया। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये होता है कॉट स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉसैक स्क्वायर। ये आपके पास तीसरी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अगेन, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। ये तो है ना, कॉसैक स्क्वायर बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर के। अगर आपको कॉट स्क्वायर निकालना है, तो कॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉसैक स्क्वायर माइनस 1 के। एक इस तरीके से आप लिख सकते हो। और दूसरा अगेन वही तरीका जो आपने ऊपर पढ़ा है, कि अगर कॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो बच्चों, ये तीन फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, लेकिन इनको मजीद दो दो में तोड़ा हुआ है, तो टोटल 9 है जो आपने अभी फॉर्मूले देखे हैं। यहाँ पे याद आपको 3 करने हैं, बाकी खुद ही आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन 9 चीजें हैं यहाँ पे, ये आपके जहन में होनी चाहिए। असल ज्यादातर काम तो इसका होता है, लेकिन बाकी भी आपको पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों बहुत फॉर्मूले हैं। अभी चैप्टर से निकलोगे, चैप्टर नंबर 11 में भी बहुत ज्यादा फॉर्मूले नजर आएंगे। तो बेहतर है, फॉर्मूलों को असल तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस जितना करते रहते हो ना, एटलीस्ट देख के आप लिखते जाओ उनको।
अगर आप देख के भी लिखते जाओगे ना तो वो चीज आपके जहन में आती रहेगी, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख रहे हो, हाथों से लिख रहे हो, जहन में उसको मुंह से बोल रहे होगे, तो वो चीज वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाती है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना। और जो कम प्रैक्टिस करता है उसको फॉर्मूलों के रट्टे मारने पड़ेंगे। फिर दो ही तरीके हैं याद करने के, या तो प्रैक्टिस करो खुद ही याद हो जाएगा, या फिर रट्टे मारो याद तो करना। और ये वो चीजें हैं जो आपकी जान नहीं छोड़ेंगी, ये वो चीजें जो सेकेंड ईयर में बहुत यूज होने वाली चीजें हैं। ये तीन जो मैंने आपको लिखवाई हैं सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती हैं, उसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये हर जगह यूज होंगे। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे आप ये फॉर्मुले, ये ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फॉर्मुले हैं जो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो आपने सीखने ही सीखना है। इसी तरह अभी जो मैं आगे बताने लगा हूँ, डबल एंगल, हाफ एंगल, ये बहुत कॉमन है, ये आपके हर जगह घुसे हुए होते हैं फॉर्मुले, तो इन पे तो खास फोकस रखना है आपने। अभी जो आप पढ़ने लगे हो ना उनको हम कहते हैं डबल एंगल फॉर्मूले। ये आए कहाँ से भाई? सारे प्रूफ बुक में लिखे हुए, पेपर में प्रूफ नहीं आता, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो अगर किसी ने शौक हो सीखने का कि फॉर्मूले कहाँ से आए, ये भाई पेज नंबर 305 पे तीनों उन्होंने डबल एंगल फॉर्मूले मेंशन किया हुआ है। डबल एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंगल जो है वो यहाँ पे डबल हुआ हुआ होता है। साइन 2 थीटा तरीके से, कॉस 2 थीटा इसी तरीके से, टेंजेंट 2 थीटा, तो जो एंगल है वो डबल है, 2 से डिवाइड हुआ है, दैट्स व्हाई अपन को डबल एंगल फॉर्मूले बोलते हो। तो अगर कहीं आपके पास साइन 2 थीटा आ जाए तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला आपने याद रखना है। कॉस 2 थीटा के बच्चों तीन फॉर्मूले हैं मेंशन किए मैंने उन्होंने, तीनों, हाँ तीनों मेंशन किए मैंने उन्होंने। तो पहला फॉर्मूला इसका है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मुलों की खासियत है, पहला जो फॉर्मूला है ना कॉस 2 थीटा का, उसमें कॉस साइन दोनों हैं, दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें जस्ट कॉस है। देखो कॉस 2 थीटा इसके बराबर भी होता है, 2 cos² θ - 1, ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। और जो तीसरा फॉर्मूला है अगर आप वो देखो, वो जस्ट साइन की फॉर्म में है, 2 थीटा इसके बराबर भी होता है, 1 - 2 sin² के। ये मैं इसलिए अलग से बता रहा हूँ कि जब कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आप चाहोगे कि राइट हैंड साइड में जस्ट साइन लिखा हुआ है, तो अगर राइट हैंड साइड में जस्ट आपको साइन नजर आ रहा है तो आप कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे कि आपके पास जस्ट साइन थीटा है, कुछ और ना है। किसी सवाल में आप चाह रहे होगे कि जस्ट आपके पास कॉस आए तो आप ये वाला यूज कर लोगे, कहीं आपकी पहला वाला फॉर्मूले की जरूरत होगी तो अपने जरूरत के हिसाब से आप कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होगे। और आखिरी है टेंजेंट 2 थीटा का, इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा अपॉन 1 + tan²। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ, 2 tan θ / 1 - tan², ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट 2 थीटा का। तो बच्चों ये डबल एंगल फॉर्मूले हैं, अब इनका कहाँ काम आएगा, अभी आप लोग एक्सरसाइज करने लगे हो उसमें काम आएगा इसका, ठीक है। तो मैं एक साथ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ फिर एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ। दूसरे फॉर्मूले जो है उनको आप कहते हो हाफ एंगल फॉर्मूले, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि हाफ एंगल क्यों बोला जाएगा उसको, क्योंकि एंगल वहां 2 से डिवाइड हुआ हुआ होगा। तो सबसे पहले हाफ एंगल फॉर्मूला है साइन का, साइन थीटा अपॉन 2। देखो यहाँ पे एंगल डबल हुआ हुआ था, यहाँ पे एंगल बेचारा हाफ हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - cos θ / 2। फिर दूसरा है कॉस थीटा अपॉन 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला, वो होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 + cos θ / 2। फर्क देख लो कितना सा है, 1 - cos 1 + cos, दैट्स इट। और तीसरा फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा अपॉन 2। टेंजेंट थीटा अपॉन 2 के तीन फॉर्मूले हैं, ज्यादातर जो यूज होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन याद रख लो आपकी बुक में मुझे नहीं पता कौन सबसे ज्यादा यूज होगा। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है कि टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ये साइन है डिवाइडेड बाय ये कॉस है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 - cos 1 + cos, टेंजेंट का पहला फॉर्मूला तो इस तरह आया था। दूसरा फॉर्मूला उन्होंने कैसे निकाला हुआ है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की हुई है, ये पेज नंबर 307 पे देख लेना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोई नया काम नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला आया है साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ। इसी फॉर्मूले में आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो एक और फॉर्मूला आ रहा है, और वो है 1 - cos θ sin θ। तो ये टेंजेंट थीटा अपॉन 2 के तीन फॉर्मूले हैं, यूज इसमें से आएगा, इस पहला वाला ही करते हैं। अरे यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों के जहन में आना चाहिए, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं है। एक क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस कहाँ से आया, मतलब बुक में लिखा हुआ तो होगा प्लस माइनस कहीं, या नहीं लिखा हुआ, उन्होंने प्लस माइनस सूट लगाया है ना, तो वो तो फॉर्मूला प्रूफ करते हुए वहां से प्लस माइनस आ रहा है, इसकी सेंस क्या बन रही है? नॉर्मली आप इसके जस्ट पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हो,
जब भी आप नॉर्मली कंसीडर करते हो ना, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हो, दोनों एक साथ कंसीडर नहीं कर रहे होते। हालांकि फॉर्मूले में आपको प्लस माइनस दोनों नजर आ रही है, तो किस जगह पे आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, किस जगह पे नेगेटिव कंसीडर करोगे, असल ये चीज है। वो ये है, देखो ये जो पूरी वैल्यू है ये आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगी, रूट के अंदर आपको चीज नजर आ रही है ना। यार देखो इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, शायद अभी तक आप लोगों को इसके बारे में पता है नहीं पता, ये जो कॉस है ना, इस कॉस के अंदर आप कोई भी थीटा पुट कर दो। मैंने बात बोली है, इस कॉस के अंदर कुछ भी थीटा पुट कर दो आप, आंसर आपका मैक्सिमम वन आएगा, वन से बड़ा आ ही नहीं सकता। कंप्यूटर आप लोगों के पास है, टाइम माशाल्लाह आप लोगों के पास बहुत होगा। कॉस के अंदर आप एंगल पुट करते जाओ, 1000 डिग्री पुट कर दो, 2000 पुट कर दो, जितना पुट करना चाहे पुट कर दो, मैक्सिमम आंसर वन मिलेगा। वन से बड़ा आपको आंसर मिल ही नहीं सकता। क्या आपने कॉस के अंदर कुछ ऐसा एंगल पुट किया आंसर आपको 2 मिल रहा है? नहीं मिल सकता। आपको ग्राफ इस टाइप का बना हुआ है, आपको आइडिया हो जाएगा जब हम चैप्टर नंबर 11 या जब भी 12 में शायद ये बताऊं मैं आपको बात। तो सबसे बड़ा कॉस का आंसर आपको 1 ही मिलेगा और सबसे छोटा कॉस का आंसर -1 मिलेगा, दैट्स इट। आपको -1 से छोटा आंसर मिल ही नहीं सकता कॉस के अंदर। साइन के अंदर भी यही है कि मैक्सिमम इनकी वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू इनकी -1 होती है। तो अब जरा एज्यूम करो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, तो जब यहां पे 1 पुट करोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कॉस की वैल्यू 1 से छोटी है, कंसीडर कर लो कॉस की वैल्यू यहां पे पुट करो 0.5, इसी तरह पुट कर दो 0.2, तो ये पूरी चीज पॉजिटिव ही रहेगी ना, 1 - 0.2 पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव उस वक्त होगा ना जब ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, ये तो वैल्यू 1 से ग्रेटर ही नहीं हो रही, इसका मतलब ये पूरी चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और जब ये पूरी चीज पॉजिटिव रहेगी, इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। बात को बस ध्यान में रखना कि ये जो पूरी वैल्यू है ये कभी आपको नेगेटिव आंसर नहीं दे सकती, स्क्वायर रूट आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देते हैं। और सोचो अगर कोई सिचुएशन आपके पास ऐसी हो, साइन 400, थीटा की जगह पे ना आप 400 पुट करो, इसी तरह यहां पे भी थीटा की जगह 400 आ जाएगा ये सिचुएशन। अब सवाल है कि इसमें पॉजिटिव कंसीडर करें या नेगेटिव कंसीडर करें, क्योंकि ये तो आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो पॉजिटिव साइन कब यूज करोगे, नेगेटिव कब यूज करोगे? पॉजिटिव आपने बच्चों उस वक्त यूज करना है जब आपने साइन को देखना है। अब देखो यहां पे मैंने थीटा की जगह पुट किया 400, 400 अपॉन 2 क्या होता है? एंगल यहां पे क्या है 200 का, 200 किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन का क्या साइन होगा? नेगेटिव होगा ना, इसका मतलब यहां पे आपको नेगेटिव लगाना है। ये चीज तो कभी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देगी, ये आपको हमेशा पॉजिटिव ही देगी। लेकिन हमें पता है साइन 400 अपॉन 2 मतलब साइन 200, आंसर में आपके पास नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको खुद अपनी तरफ से नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो आपने कौन सी वैल्यू चूज की? अपनी तरफ से आपने नेगेटिव वैल्यू चूज की है। और अगर आप कैलकुलेटर में इसको वेरीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, कैलकुलेटर में साइन 200 जो है वैल्यू -0.34 आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीज कैलकुलेट करते हो, आप कैलकुलेटर में पुट करते हो 1 - cos 200/2, तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है, सॉरी 200 पुट कर दिया, 400, तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 0.34, मतलब ये पूरी चीज आपको आंसर दे रही 0.34, जबकि साइन 200 का आंसर क्या होता है? -0.34। अगर आप इस चीज को इस तरह, क्योंकि ज्यादातर ना आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हो, जब भी मैं फॉर्मुला यूज करूंगा ज्यादातर पॉजिटिव कंसीडर किया जा रहा होगा, वो ज्यादातर पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि आपको बोला जाता है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई मैक्सिमम केसेस में आप इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हो। लेकिन मैं आपको रैंडम केस बता रहा हूँ कि अगर आपका एंगल फॉर एग्जाम्पल 400 हो गया, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पॉजिटिव नहीं कंसीडर करना। अगर आपने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगी। साइन 200 होता है -0.34 और ये पूरी चीज होती है 0.34, ये तो आपस में बराबर ही नहीं आ रहे, इसका मतलब आपको अपनी तरफ से नेगेटिव लगाना पड़ेगा तब ये चीजें आपस में बराबर आएंगी। ये वजह आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेगी नहीं, अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, कोई इसको बताता नहीं है, जस्ट प्लस माइनस लिखवा दिया जाता है, उसके बाद यूज हम कर रहे होते हैं पॉजिटिव वैल्यू। समझ नहीं आता कि नेगेटिव के कब किसके लिए रखा हुआ है, तो नेगेटिव इसी सिचुएशन के लिए रखा हुआ है कि फॉर्मूले अगर आपस में बराबर चाह रहे हो तो इस सिचुएशन में आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और पॉजिटिव कब लगाओगे? जब ये पूरी चीज का आंसर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, मतलब कोई भी 360 से अगर आप कम एंगल पुट कर रहे हो यहाँ पे, 360 से कम मतलब फॉर एग्जाम्पल 350 पुट कर रहे हो यहाँ पे, जब 350 का आप हाफ करोगे
तो ये आ जाएगा 175, 175 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव लगा रहे होगे। नेगेटिव उस वक्त लगाओगे जब ये चीज ग्रेटर हो जाएगी। सेम केस इसके अंदर भी है। अब आपको पता है कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा थीटा पुट करूं, कंसीडर कर लो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 200 डिग्री, 200 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 100, तो फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन चूज करना पड़ेगा। सही है। सेम केस टेंजेंट के अंदर भी है। टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो जब ऐसा एंगल होगा जो फोर्थ, उसके मैं बता दी प्लस माइनस लगाऊं, और ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ अभी, क्योंकि मैं खुद भी साथ साथ प्रूफ कर रहा हूँ ना। तो अगर हम कोई ऐसा एंगल लेते हैं जिसका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो, कंसीडर कर लो 200 लेते हैं, तो यहाँ पे जब 200 पुट करोगे, 200 अपॉन 2 क्या होता है, टेंजेंट 100 की वैल्यू आ रही है -5.67। अब देखो मैं वैसे ही बता सकता हूँ, इस चीज का आंसर माइनस हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कंसीडर कर लो अगर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो इक्वेशन आपस में बैलेंस नहीं होगी। यहाँ पे आप पुट करो 1 माइनस cos 200, इसी तरह नीचे पुट करो 1 प्लस cos 200, ये चीज कैलकुलेटर में आपको आंसर मिल रहा है 5.67। तो आप देख सकते हो इक्वेशन आपस में बैलेंस ही नहीं है। ये बैलेंस उस वक्त होगी जब आप यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करोगे, तभी आपस में बैलेंस होगी, क्योंकि इस पूरी चीज का जो आंसर है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है। दैट्स व्हाई बच्चों यहाँ पे इन फॉर्मूले में प्लस माइनस लगाया जाता है कि आपने अपनी जरूरत के मुताबिक पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू चूज करनी है। ये रीजन है जो इसके पीछे हमारे 7-8 मिनट लग गए, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। इन सबको ना आइडेंटिटीज बोला जा रहा है, मैं कभी फॉर्मूले बोल देता हूँ लेकिन असल वर्ड इनका है आइडेंटिटीज। तो किसी को पता है आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, याद है या भूल गया अभी तक? हर सिचुएशन पे प्रूव होती है। बस बहुत हल्की आ रही है, दोबारा बोल सकते हो आप ऊंचा? सर हर सिचुएशन पे प्रूव होते हैं, आपको बता दूंगी। हाँ एक्सीलेंट। नॉर्मली जो आपके पास इक्वेशन होती है ना, उसको आप कंडीशनल इक्वेशन बोलते हो, क्योंकि वो किसी खास वैल्यू पे ट्रू होती है, एक्स की कोई एक वैल्यू पे या एक्स की दो वैल्यू पे आपकी इक्वेशन ठीक है। लेकिन जो आइडेंटिटीज होती है ना, ये एक्स की मतलब थीटा की सब वैल्यूज पे ठीक होती है, अनलेस किसी फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन ना हो। जैसे साइन और कॉस में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कुछ भी पुट कर लो, लेकिन टेंजेंट के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है। आप टेंजेंट 90 पुट नहीं कर सकते, पुट करके देखना कैलकुलेटर एरर देगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मौका मिला तो चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे इसको। तो अनलेस कोई फंक्शन के अंदर रिस्ट्रिक्शन ना हो, वरना आप जो वैल्यू पुट करना चाह रहे हो पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के हमेशा बराबर आती है, ये आइडेंटिटी का मतलब होता है। इसी तरीके से टेंजेंट 3 थीटा का, अब ये फॉर्मूले मुश्किल है, इतना यूज नहीं होता है इसलिए मुझे याद भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के पेपर में यूज हो सकते हैं इसलिए आप लोगों को याद रखना है। ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूले है, sin 3 थीटा, cos और tan 3 थीटा। अभी तक जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है ना यार, उसमें एक ही बात मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कोशिश करना कि नॉलेज के पीछे भागना, सीखने के पीछे भागना। सिर्फ एजुकेशन नहीं है, बाकी भी है, दुनिया का कोई भी मैदान हो सीखने पे करना कि यार मैं सीख क्या रहा हूँ इस चीज से, या मुझे सीखना है। अपने अंदर कोशिश रखना कि यार मैं आज कहीं भी अगर अपना टाइम लगा रहा हूँ तो यार मैं इसमें सीख क्या रहा हूँ, या मुझे इसमें क्या सीखने को मिलेगा, उस हिसाब से आप उस चीज को वैल्यू दो। अगर उसमें आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता तो उसकी जीरो वैल्यू होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, ठीक है? मजबूरी के लिए आपको करना पड़ता है। जैसे मेरी ऐसी कितनी क्लासेस हैं जिसमें मुझे पता है कुछ टीचर ने सिखाना नहीं है, स्लाइड्स होंगी, स्लाइड्स के ऊपर रट्टा मार के बता देंगे ये करना है, इस तरह करना, उस तरह करना है, सीखना मुझे यूट्यूब पे आके ही है, वो मजबूरी है। अटेंडेंस फंस जाती है, क्लास अटेंडेंस भी मैटर कर रही होती है, तो 75 होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में रूल होता है, 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो पेपर में बैठने नहीं देते वो आपको। मजबूरियां अलग होती हैं, लेकिन अपनी जो प्रायोरिटी है ना उसको ये रखो कि यार जिस टाइम में मुझे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक खास एज में जाके आप हर चीज नहीं कर सकते, जो आप 20s में कर सकते हो वो आप 40s में नहीं कर सकते, जो आप 40s में कर सकते हो वो 60s में नहीं कर सकते। तो टाइम इज मनी, फालतू जुमला है ये, टाइम का मनी से कोई कंपेरिजन ही नहीं है। टाइम बहुत बड़ी चीज है, एक दफा निकल जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने टाइम को अहमियत देनी है आपने, और अहमियत देने का मतलब ये कि आपने वही यूज करना है जहां पे आपको लगे कि यार वैल्यू है। वैल्यू मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ स्किल्स आपके अंदर आ रही हैं, या कुछ आपके अंदर लेवल आपका बढ़ रहा है। रुक नहीं जाना एक लेवल के ऊपर कि यार मैं यहाँ पे आगे बस सही है, मैं से आगे बढ़ना नहीं जा रहा। मुझे रिसर्च का ऐसा कोई शौक नहीं है, मुझे टीचिंग का बड़ा शौक होता है, इस टॉपिक को पढ़ूं, इस एंगल से समझाऊं, उस तरह समझाऊं, बड़ा मजा आएगा। लेकिन अगर मैं रिसर्च नहीं करूंगा तो मैं एक लेवल पे रुक जाऊंगा। मेरी अगर मैं इंटरमीडिएट पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंटर का बहुत अच्छा टीचर बन जाऊंगा, लेकिन मैं इंटर से ऊपर जा नहीं पाऊंगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी में लग जाऊंगा, मैं मास्टर्स लेवल को नहीं पढ़ा पाऊंगा।
तो आपने कोशिश ये रखनी है कि लाइफ में आपने ऊपर बढ़ने की कोशिश करनी है, रुक नहीं जाना किसी एक लेवल पे, अपनी सोच को लिमिटेड नहीं कर देना, हाँ यार बस मैं ये कर लूंगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कोई और आपकी मजबूरियां हैं, कुछ और रीजन हैं, वो अलग एक्सेप्शन हैं वो, लेकिन मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि रुकना नहीं है आप लोगों ने, अपने आप को किसी एक लेवल पे कर नहीं लेना कि यार आपने ये कर लिया बस अभी पूरी जिंदगी मैं ये करूंगा, नहीं, कोशिश करो थोड़ा ऊपर लेवल पे जाओ और सीखने पे फोकस करना। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चीज ऐसी है कि जो हमें सिंध बोर्ड के खासतौर पर बच्चों को इस पे फोकस नहीं किया जाता, बच्चों का फोकस होता है पेपर क्लियर हो जाए, नंबर आ जाए, डिग्री मिल जाए, दैट्स इट, यूनिवर्सिटी में आ जाए। अगर मैथ सीखी नहीं होगी वहां जाके फंस जाओगे। अभी आप लोगों की जिंदगी में यही है कि जो आप पढ़ रहे हो वो प्रॉपर सीखो, उसको समझोगे हो क्या रहा है वहां पे, रटा काम नहीं आएगा। रटा ये समझ लो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, सेकेंड ईयर पास हो जाएगी, फर्स्ट ईयर पास हो जाएगी, यूनिवर्सिटी में जाके ही ना कि फंस जाओगे। तो फोकस क्या होना चाहिए, सीखना है यार हमें बस, ये अगर फोकस होगा तो इनशाला कामयाब हो जाओगे। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप 10.3, 10.3 में अगेन लिखा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब आप लोगों को बात चल गया आइडेंटिटीज का, अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या चीज लिखी गई है। अच्छा, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो काफी इजी हैं, वो मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, कुछ जो है वो थोड़ी होंगी मैं करवा दूंगा, ज्यादातर तो मैं करवा दूंगा क्योंकि पहली पहली दफा करो तो मुश्किल होती है, लेकिन जब मैं करवा रहा हूं तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि इन सवालों में आपने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, एलसीएम लेना है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर कि जिसमें आपको रुक के सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है, बस सिंप्लीफिकेशन है और फॉर्मूला पुट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपको बोला हुआ क्या है कि प्रूफ करो साइन टू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस टू थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि सवाल को प्रूफ करने के तीन तरीके होते हैं, हम ज्यादातर प्रेफर ये करते हैं किसी एक साइड को पिक करते हैं, उसको सॉल्व करके दूसरी साइड के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि किस साइड को पिक करें, आपने उस साइड को पिक करना है जिसपे आप कुछ कर सको, sec थीटा को पिक कर लोगे ज्यादातर क्या कर लोगे, sec थीटा होता है वन अपॉन cos, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा कि cos को किसी और फॉर्म में चेंज कर दो, करते करते फिर इस स्टेज पे पहुंचोगे। तो राइट हैंड साइड को पिक करना कुछ खास बेनिफिट नहीं आपको देगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहे काफी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, तो वो वाली साइड आपने चूज करनी है जो आपको फायदा दे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, पेपर में आपने ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन करना है, ये असल में ब्लू खत्म हो गया, अब मैं इस पे भी इंक भरूंगा तो 5-6 मिनट लग जाएंगे, 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो अब देखो प्रूफ करने का स्टाइल क्या होता है, मैं शायद हर सवाल में ना कर पाऊं टाइम की कमी की वजह से, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है सिंप्लीफाई नहीं करना उसको, सबसे पहले एज इट इज कॉपी कर देना, क्योंकि ये तो आपने सवाल लिखा था ना, सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करनी है, अब जो काम करना है वो आप करो। रिकमेंड ये किया जाता है कि जो फॉर्मूले आपने यूज करने हैं उनको मेंशन कर दो, अच्छा तरीका ये होता है। अब ये नहीं पूछा नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नंबर से कोई ताल्लुक नहीं, अच्छा तरीका है कि फॉर्मूला मेंशन कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा वो मेंशन कर देना है यहाँ पे। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखने में तो आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा। अब देखो इन सवालों को प्रूफ करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, गोल क्या है ये चीज आनी चाहिए, किस रूट से जाना है ये आपकी मर्जी है, कोई भी फॉर्मूला यूज करके आपने किसी तरह यहाँ पे आना है। अब आपने देखना है कि यार कौन सा मेथड इजी लगता है, पहले मैं आपको इजी वाला मेथड करवा देता हूँ। इजी वाला मेथड क्या है कि आप यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, जब आप इस तरह मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हो तो न्यूमरेटर में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस को मल्टीप्लाई कर दो इससे और साइन को मल्टीप्लाई कर दो इससे। अब हुआ क्या, अगर आप अपना न्यूमरेटर देखो तो क्या आपको कोई फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा साइन अल्फा माइनस बीटा है, एक्सीलेंट, साइन अल्फा माइनस बीटा, वेयर अल्फा यहाँ पे 2 थीटा है और बीटा यहाँ पे थीटा है, फॉर्मूला क्या था साइन अल्फा कॉस बीटा, तो देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, अल्फा 2 थीटा है, बीटा जो थीटा के बराबर है, फिर आता था माइनस कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा है और फिर साइन बीटा, तो एज देयर इज, पूरा न्यूमरेटर जो है ये इसके बराबर है। तो अच्छा तरीका क्या है कि इस स्टेप से पहले आप फॉर्मूला मेंशन कर दो, मैं यार सवाल है मेंशन नहीं करूंगा मेरे पास टाइम नहीं होता, वो फॉर्मेलिटी के स्टेप्स नहीं होते, लेकिन जिस स्टेप में आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है या तो सामने मेंशन कर दो स्टेप के बाद, या इस स्टेप से पहले आप सेंस करके, चलो एक सवाल में मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि सेंस साइन अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा,
और कोशिश करना इंक चेंज करना, अगर आप ब्लू से कर रहे हो तो ब्लैक से फॉर्मूला मेंशन करो, प्रोमिनेंट नजर आता है। अच्छा फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, जो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस थीटा, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज आपने लिख दिया, साइन 2 थीटा माइनस थीटा, ये सिंपल क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 माइनस 1 सिंपल 1 होता है ना, और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, पीछे बचेगा 1 अपॉन कॉस, और आप लोग जानते हो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक के बराबर। जैसे आपको नजर आए कि आपने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया ना, अब आखिरी स्टेप क्या करना है, आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जगह नहीं है लेकिन आपने काम सब करना है। इस तरीके से आपका एक प्रूफ कंप्लीट होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड मेंशन की, सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला आया, करते करते जैसे ही आपने राइट हैंड साइड अचीव कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसका एक तरीका यह है करने का, इसका दूसरी अप्रोच भी हो सकती है कि साइन 2 थीटा पे डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ, ये डबल एंगल फॉर्मूला है, इसी तरह कॉस 2 थीटा पे डबल एंगल। अब कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, मुझे नहीं पता कौन से फायदेमंद है, मैं चलो रैंडमली 2 cos² पुट कर देता हूँ, 2 cos² θ - 1, ये भी हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला था, और नीचे कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, ये हो जाएगा 2 cos θ। अच्छा इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें मैं एलसीएम ब्रेक कर सकता हूँ, और मुझे कोई खास सिंप्लीफिकेशन नजर नहीं आ रही, तो ये माइनस मैंने बाहर लिखा, एलसीएम ब्रेक करो, ये हो जाएगा 2 cos² / cos, ये हो जाएगा -1 / cos, तो ये मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई करवाना, तो पहली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा कॉस और ये वाला कॉस कैंसिल, तो सिंपल ये होगा 2 cos θ, यहाँ पे बच जाएगा 2 cos θ, और यहाँ पे 1 + cos क्या होता है sec थीटा, ये आपस में कैंसिल, आंसर sec थीटा आ गया। कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा आपको, सिमिलर स्टेप्स में आपने अगेन प्रूफ कर दिया। इसके और भी मेथड हो सकते हैं, मे बी यहाँ पे अगर आप cos² - sin² करो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट रास्ते लेके मंजिल एक ही होती है, मंजिल क्या है कि sec थीटा पे पहुंचना है, तो आप डिफरेंट रूट्स ले सकते हो यहाँ पे, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, हाँ जो सबसे छोटा है वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बुरा नहीं है, वैसे अगर आपको जितना कम टाइम लगे उतना अच्छा। तो ये पहला सवाल मैंने करवाया है, आप लोगों को स्टेप्स भी बता दिए, प्रेजेंटेशन भी बता दिए, अब बाकी सवालों में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको बस किसी तरह प्रूफ करके दिखा दूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को किन स्टेप्स में आपने प्रूफ करना है। अच्छा अब जल्दी से आ जाओ दूसरे सवाल के ऊपर, दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है cot 2θ इज इक्वल टू cot θ माइनस tan θ / 2। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों बराबर ही हैं, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लो, चाहो तो राइट हैंड साइड को पिक कर लो, दोनों तरीके से सवाल हो जाएगा। अब क्या करें हम यहाँ पे, मर्जी आपकी, जिस मैं फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेता हूँ, ज्यादातर हम लेफ्ट हैंड साइड ही पिक करते हैं, लेकिन आप राइट हैंड साइड पे भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड पे लिखना cot बराबर है 1 / tan के, और फिर एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो सवाल को, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेता हूँ, इस पर भी मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा, क्या cot बराबर होता है 1 / tan के, टेंजेंट 2θ का फॉर्मूला मुझे पता है, डबल एंगल फॉर्मूला, टेंजेंट का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 tan θ / 1 - tan²। तो यहाँ पे बच्चों का एक मशहूर सवाल होता है कि सर आप जो कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा, ये करना चाहिए कि जैसे आपने cot को ब्रेक किया, इस तरह मैं cos / sin भी कर सकता था, तो मेरा जवाब होगा शायद उस तरह भी आंसर आ जाएगा, भाई जो मेरे जहन में तरीका आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। इसी तरह इसको अगर आप पिक करो, cot को ब्रेक करो 1 / tan में, मे बी अगर आप इसको cos / sin और इसको sin / cos में करो, शायद फिर भी आंसर आ जाए, मुझे नहीं पता, असल चीज है आंसर निकालना। इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, जो आप लोगों को जहन में आ रहा है पेपर में कर लो, हाँ कुछ आपको आइडिया लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सवाल में cot है ना, राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में cot और टेंजेंट है, तो उसका मतलब cot को आपने कुछ इस तरह चेंज करना है कि आंसर में cot और टेंजेंट ही आ रहा हो, तो cos / sin मजा नहीं आ रहा है इतना, तो हल्की बुल्की हिंट मिल जाती है आपको, तो सवाल हो जाता है आपका, इतना मसला नहीं होगा, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। मैं आप लोगों को बताया कि अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो ये पूरी चीज जाके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होती है, तो ये 1 - tan², 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 tan θ। अगेन एलसीएम ब्रेक करते हैं, क्योंकि 1 - tan² का कोई फॉर्मूला है नहीं, तो एलसीएम ब्रेक करने में शायद फायदा हो, यहाँ पे हो जाएगा tan²/2 tan θ। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यह है 1/2, और 1 / tan क्या होता है cot के बराबर होता है,
क्योंकि देखो राइट हैंड साइड पे मुझे कॉट नजर आ रहा है, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, इसी तरह एक टेंजेंट से ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगेन 1/2, और ऊपर यहाँ पे है टेंजेंट, नीचे तो कैंसिल हो गया, ऊपर एक टेंजेंट मौजूद था। अब आप खुद देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपने एलसीएम 2 ले लिया, यहाँ से कॉट थीटा, यहाँ से टेंजेंट, सवाल आपका कंप्लीट राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। फिर है कॉस 2 अल्फा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अगर sec स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 1/sec² होता है cos स्क्वायर। ये बड़ा इजी सवाल है, इसको ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट हैंड साइड पिक करना, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, उसकी जगह लिखना sec स्क्वायर, फिर एलसीएम ब्रेक करना, 1/sec² - tan² / sec² ये आ रहा होगा, तो 1/sec² होता है cos स्क्वायर, और tan² / sec² ये क्या होता है, tan² को ब्रेक करना sin² / cos², और नीचे जो sec स्क्वायर है उसको ब्रेक करना 1/cos². cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, जस्ट sin स्क्वायर आ रहा होगा, तो cos² - sin² cos² के बराबर हो जाएगा, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब cos 2 अल्फा के। जब होमवर्क करो तो ये जो मैंने बातें बोली है ना, इनको जरा सुनना, आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी कि राइट हैंड साइड पिक करो, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डिनोमिनेटर को sec² अल्फा लिख देना, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको बताई थी ना फंडामेंटल, उसमें सेकंड वाली यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद एलसीएम ब्रेक करना आ जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में मजा आ रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड में मैं कुछ फॉर्मूले लगा सकता हूँ। अब देखो आपने पहले राइट हैंड साइड मेंशन करनी है, लेकिन मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन के अंदर बता दिया, टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट होता है sin/cos, साइन अपनी जगह पे, सेम डिनोमिनेटर में टेंजेंट की जगह लिखो sin/cos, साइन अपनी जगह पे। सॉल्व करने का तरीका, ये कॉस मल्टीप्लाई होगा साइन से, दरमियान में माइनस आएगा, और फिर ये साइन थीटा होगा इस तरीके से। अब क्या किया आपने, कॉस को मल्टीप्लाई किया साइन से, ये आ गया, दरमियान में माइनस, ये साइन, और एलसीएम नीचे क्या आया था, कॉस थीटा आया था। अगर नहीं समझ आता तो थोड़ा देखना, समझ आ जाएगा, बहुत दफा पहले हो चुका है। फिर डिनोमिनेटर को भी सेम वही काम करो, साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, अगर आप देखो इन दोनों टर्म में से साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन कॉमन ले लिया आपने, 1 माइनस कॉस बचेगा, इसी तरह यहां से भी साइन कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस बचेगा, साइन से साइन कैंसिल, अब पीछे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा / 1 प्लस कॉस थीटा। वैसे टेक्निकल तौर पे यहाँ पे आप डायरेक्ट टेंजेंट स्क्वायर लिख सकते हो ना, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था एक, ये इसके बाद आप डायरेक्ट ये चीज लिख देना, ये कहाँ से आया, आपने फॉर्मूला पढ़ा था टेंजेंट का हाफ एंगल फॉर्मूला, कि ये टेंजेंट का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 माइनस कॉस / 1 प्लस कॉस, इसका अगर आप रूट लो तो टेंजेंट का हाफ एंगल फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूं तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस कॉस / 1 प्लस कॉस, ये किसके बराबर होता है, tan² θ/2 के, जो कि आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहां पे आपने राइट हैंड पिक की थी ना, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, जिस सवाल में आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक किया उस सवाल में आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, cosec² - 2sec θ, क्या लिख सकते हैं, 1/cos 2/cos हो जाएगा, नीचे वाला कॉस, 1 माइनस कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 माइनस कॉस हो जाएगा, फिर आप उसको कर सकते हो सही है। cosec² पे क्या लगा सकते हैं, cosec² बराबर था 1 प्लस tan² के, सॉरी कॉट स्क्वायर के, कॉट स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। मुझे इसमें लग रहा है कि मैं राइट हैंड साइड को ज्यादा अच्छा सॉल्व कर सकता हूँ, आप लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखना, शायद वो छोटा तरीका पड़े, मेरे जहन में जो आ रहा है मैं उसके मुताबिक राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे मैं sec थीटा को लिख सकता हूँ 1/cos, इसी तरह नीचे जो sec थीटा इसको भी लिख सकता हूँ 1/cos - 1। अच्छा, तो ऊपर क्या है, ऊपर तो जस्ट है ना 2/cos, नीचे क्या है,
कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करो, कॉस आएगा, दरमियान में माइनस, इधर 1, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/1 - cos. 2/1 - cos थीटा है ना. अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, वैसे तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, एक हल है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जो कि इतने फायदेमंद नहीं है. एक और हल इसका है कि 1 - cos पे ज्यादातर आप वो फॉर्मूला लगाते हैं जो मेरे जहन में एकदम से आया है, वो है हाफ एंगल फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा था ना, sin θ/2 बराबर होता है 1 - cos θ. अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 - cos θ होता है, और ये फॉर्मूला ज्यादातर आप उधर लगाते हो जब आप राइट हैंड साइड या किसी भी जो आप आंसर लाना चाह रहे हो ना उसमें θ/2 का पैटर्न अगर आपको नजर आए, वो θ/2 है. तो एकदम से मेरे जहन में बात आई है कि मैं 1 - cos को किस तरह θ/2 की फॉर्म में लिखता हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ इस सवाल में. तो ये फॉर्मूला कैसे आप करोगे, सबसे पहले तो आपने मेंशन करना है, इस स्टेप में मैं अप्लाई करूंगा तो आपने आगे मेंशन करना है. क्या मेंशन करना है, मैं आगे लिख देता हूं कि sin θ/2 बराबर है 1 - cos θ/2 के. सबसे पहले क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है, तो यहां से रूट हट जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई करवा दो, तो राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 1 - cos. मुझे असल में 1 - cos की वैल्यू ही चाहिए थी, तो 1 - cos की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 sin²θ/2. 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/sin²θ/2, और 1/sin² क्या होता है, cosec², और ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड. तो बच्चों ये है भाई इन सवालों में, अगर आप फंसोगे सोचना पड़ेगा आपको, लेकिन आप जैसे मेरे जहन में चीजें आई है ना, 1 - cos पे ज्यादातर 2 ही काम करते हो आप, या तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो या ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हो. तो वक्त के साथ जब आप सवाल करते जाओगे आपको आइडिया होता जाएगा कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ लगा देना पेपर में. अगर फंस जाओ तो थोड़ा सोच लेना, इंशाल्लाह हल मिल जाएगा आपको उसका, इस तरीके से प्रूफ कर दोगे आप. कोई सवाल यहां तक? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अब मैं क्लास खत्म ही करने वाला हूँ क्योंकि मुझे मगरिब की नमाज भी पढ़नी है अभी. अच्छा, sin²θ है ना, sin²θ को इस तरह लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से कि sin²θ + 2θ, ठीक है. अच्छा, ये लिखने के बाद क्या होगा, नहीं इस तरह लिखो, इस तरह भी आंसर आ ही जाएगा, लेकिन इस तरह लिखो, इसका शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ. sin²θ को इस तरह लिखो, वो वाला तरीका लंबा हो रहा था शायद, वो आपको आंसर भी ना देता, चेक कर लेना. लेकिन एकदम से मैं जब राइट हैंड साइड देखी ना, राइट हैंड साइड में सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए, तो मैंने कहा नहीं, sin α+β की फॉर्मूले में मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं होते, वो दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही होती हैं, बल्कि यहाँ पे राइट हैंड साइड आपकी क्या है, 4 sin θ, cos θ और cos 2θ. तो इसका मतलब ये है कि आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में अपना आंसर चाहिए. तो बेस्ट तरीका क्या है कि sin²θ को आप लिखो sin²√2θ. अच्छा, अगर आपको याद हो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था sin²θ का, मैं लिख देता हूँ. sin²θ का ये फॉर्मूला होता है, sin θ cos θ, यहाँ पे 2 भी आता है, एक सेकेंड, ये सिचुएशन होती है कि sin²θ बराबर है 2 sin θ cos θ के. यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो होता क्या है, ये जो 2 है ना, अगर आप इसको साइड पे करो और जस्ट आप इस थीटा पे गौर करो तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो थीटा था वो इधर साइन के साथ भी आ रहा है और इधर कॉस के साथ भी आ रहा है. तो यहाँ पे थीटा 2 को अगर आप साइड पे कर दो और जो आपका थीटा है वो साइन के साथ भी आ रहा है, वो कॉस के साथ भी आ रहा है. सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करो कि sin²√2 को मैंने साइड पे कर दिया, अब यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा 2θ है. ये मैं लिख रहा हूं, बताना किसको समझ आई है, कि यहां पे सिर्फ थीटा होता था तो यहां पे भी थीटा, यहां पे भी थीटा, यहां पे है 2θ, तो इसका मतलब यहां पे भी 2θ, यहां पे भी 2θ. ये बात समझ आई है सबको? यस सर. एक्सीलेंट. या इसको दूसरी लैंग्वेज में इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर 2θ यहां पे तो उसका हाफ यहां पे मौजूद होगा, मतलब जो भी यहां पे एंगल है ना उसका डबल इधर होना चाहिए. दूसरी तरह इस तरह आप बोल सकते हो कि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2θ होना चाहिए. उसी लैंग्वेज में अगर देखो यहाँ पे 2θ है तो यहाँ पे क्या होगा, 4θ. तो इस तरह भी आप बात को समझ सकते हो. खैर, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में था इसलिए मैंने ये वाली टेक्निक अप्लाई की है. अब sin²√2θ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करो, sin²√2θ पे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 sin θ cos θ. अब देखो cos 2θ को मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वही राइट हैंड साइड पे चाहिए. तो अगर आप देखो फाइनल आंसर आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जाएगा 4 sin θ cos θ cos 2θ. तो भाई सारा गेम यहाँ पे ये यह है कि आपने अपनी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को देख के ही चलना है, उसके मुताबिक ही आपने सॉल्यूशन करना है. 3-4 स्टेप के अंदर सॉल्यूशन आ गया, अगर कोई और मेथड अपनाओगे तो शायद एक्स्ट्रा स्टेप लग जाएंगे, आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा.
इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो शुरू के 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।